भाइयों, आज जो पूरनमल का इतिहास हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, ये बड़ा ही मार्मिक इतिहास है लोगों। पंजाब मुल्क में सियालकोट छोटी राजधानी थी और राजा संकपति उनकी अंबादे रानी थी। पंजाब मुल्क में जो सियालकोट नाम का नगर अब तो वो पाकिस्तान में निकल गया है। याद रहे लोगों, भटिंडा से आगे बढ़ते हैं, सूरतगढ़ के पास में ही पड़ता है सियालकोट, और उसमें एक राजा संकपति थे। कैसा राजा था? संकपति गुणबान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, जकि सुंदर सुगण स्वरूप रे अंबा दे भैया प्यारी। बहुत सुंदर अंबा दे जो अपने प्रिया को प्राणों से बढ़कर के चाहती थी। और प्रजा पुत्र समान दे तुझु दान, दुजन को भारी दुजन को भारी, जगना है कोई संतान रे सो तुए दिल में भारी। राजा संकपति की प्राण प्यारी अंबादे की कोई संतान पैदा नहीं हुई। जन भगवान की कैसी लीला है लोगों। और काऊ के भवन बने मरमर के, काऊ के हाये का झुपरिया नाए, और काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ की एक बुकरिया नाए। जान कैसी लीला है, आधार की तो खोपड़ी खराब हो गई उसके खेल को देखे। और काऊ के नोट भरे खाते न में, काऊ के कानी कोड़िया ना, और काऊ के लड़का दस दस खेले भूपक एक छोरिया ना। रानी आंगन में बैठी, आंगन में भैया पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रो रही है। यारो पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रो रही है। यारो पेट पकड़ के मैया आज अंगना में रो रही है। पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में। मेरे नौजवानों, जब रानी अंबादे के कोई संतान पैदा नहीं हुई तो अपने आंगन में अपने पेट को पकड़ के बैठ गई और फपक फपक के रोने लगी। तो एक पड़ोसी ने आ गई। रो रही हो तुम? हाँ। क्यों? आंखों में आंसू भर के रानी अंबादे कहने लगी, बहन रो तो इसलिए रही हूं
कि जब घर से बाहर निकलती हूं तो हर औरत हमें देख करके कानों में फुसफुसाती है। और तुम ही बताओ ऐसी कौन स्त्री होगी जो पुत्र रतन की प्राप्ति के लिए न तरसती हो। मगर मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। पड़ोसन कहने लगी, सखी बात तो तुम सच कह रही हो, लेकिन कुदरत के लिए क्या किया जाए, भगवान की ऐसी इच्छा है। बहन एक बात बताओ, क्या इतने दिन तक ना संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, कोई पिया को निवल बताए रहे हैं, कोई दासी को बांध कहाती है। मेरे पिया निवल कहलाते हैं या दुखिया बांध कहाती है, मेरे पिया ने बल कहलाए रहे या दुखिया बांध कहाती है। बहना इतने दिन तक संतान नहीं हुई तो कोई तो कह रहा कि राजा कमजोर है, कोई हमें बांझ बता रहा है। बहना जी कलंक ना छुटेगो, तो मैं सच कह रही हूं कि घर में आत्महत्या करके मर जाऊंगी। एकदम से पड़ोस निकालने लगी, गुइया मरना एक इलाज है, वो कौन सी इलाज है सुन। गोरखनाथ जो बाबारी मेरी बहन कहूं मिल जावे, सुन सकी रखना था तो बाबारी मेरी गुइया तो मिल जावे, और बाके आशीर्वाद ते लला तो तेरे हो जावे। मेरी बहन गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ, और तेरे हो बे पुत्र धर ले तेरे सिर पे हाथ। ओरी बेनारी ओरी गुइयारी गोरखनाथ एक साधु है, तेरी पूरण होई जाए आसोरी हम डोली। गोरखनाथ एक बाबा है, तेरी पूरण होई बहना। एक उपाय है, अगर गुरु गोरखनाथ कहीं मिल जाए और वो मन से तेरे सर पे हाथ रख दे तो मैं सच कह रही हूं तो पुत्रवती हो सकती है। कान लगी गुइया, साधुओं का क्या ठिकाना है, जाने वो कहां होंगे, और भगवान मेरे बेटा कैसे होगा। एकदम से कहने लगी, सुन प्यार में बड़ी ताकत है, अगर तू प्यार से उस गुरु की उपासना करे तो वो तुझे जरूर प्राप्त हो जाएगा। बंधुओ उसी दिन से रानी अम्बादे जो है महान योगी गोरखनाथ जो था उसके चिंतन में लीन हो गई। इधर गोरखनाथ जी बंगाल से चले, और बंगाल से चल करके मेरे भगवत प्रेमियों आ गए राजा शंखपति की बगिया में आकर के 1400 चेलों के साथ उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। और एक लड़की ने जो ये समाचार सुना तो भाग करके रानी अम्बादे से कहा, ओरी बहना काम बनेगा, कहा आएगे बाबा, जो उसने सुना है कि गुरु गोरखनाथ जी आ गए। तो बंधुओ आज रानी अम्बादे बहुत प्रसन्न हो गई और डोली सजाई और कहा बोली, गुरु गोरख बगिया में आए गए के चलो देखिए, गुरु गोरख जी बगिया में आए गए हैं चलो देखिए, गोरख बगिया में आए गए हैं चलो देखिए।
पांचों दिन न किया समय लगी है। पांचों दिन न किया समय लगी है। अज सूखे बाग हरियाई है, चलो देखिए गोरख बगिया में आए गए हैं, चलो देखिए सखी को संग में लगायो, चंपा सखी को संग में लगायो, मीरा को जब पलहार से बुलायो। अब गुरु के दर्शन पाले हैं, चलो देखिए गोरख बगिया में आए गए 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 हैं, चलो देखिए मेरे नौजवान साथियों। आज रानी अंबादे जिस समय बगिया में पहुंची है, उस समय गुरु गोरखनाथ पद्मा आसन लगाए हुए सून में समाधि लगाए थे। रानी अंबादे आगे बढ़ी और बानी गुरु जी के साथ परिक्रमा दिए और साथ परिक्रमा दे करके एकदम से गुरु गोरखनाथ के चरणों में अपने सर को डाल दिया। गुरु जी के नेत्र खुल गए, कौन हो तुम? लेकिन बाने पान से सर को ना हटाओ, पैरों पर ही माथो धर लो। एकदम से गुरु गोरखनाथ बोले, लड़की मैं पूछ रहा हूं तू कौन है? नहीं बोली। फौरन मुस्कुरा के पीठ पे हाथ रखा और कहा, बेटी मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तू इस साधु के चरणों में अपने मस्तक को क्यों टिकाए है? एकदम से गर्दन ऊपर करके आंखों में आंसू भर के बोली, भगवान खुद सोचो, मैं बेकार नहीं हूं, तुमसे भीख मांगने आई हूं। भीख? भिकमंगों से भीख? अरे हम तो खुद भिकारी हैं। जवाब दिया, हां आप भिकारी जरूर हैं, लेकिन अज्ञानियों की निगाह में, ज्ञानियों की निगाह में तुम उदय अस्त के राजा हो, तुम योगी हो। तेरी इच्छा क्या है? आप समझो। गोरखनाथ जी कहने लगे, कछु कछु समझ में आ रही है, एक बात का जवाब देगी तू? क्या? का बरसा थोड़ी भाई के कहूं गाओ किसान, देखिए कितने निशाने की बात पूछी गोरखनाथ ने। का बरसा थोड़ी भाई के कहूं गाओ किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा लगी भगवान, यही बात है। आंखन में आंसू भर के बोली, समझ तो गए हो भगवान, अब सुनो। ना बरसा थोड़ी भाई ना कम गाओ किसान, खेत बीजोड़े नहीं सुनिए संत सुजान, खेत बीजोड़े नहीं सुनिए संत सुजान, जब
मुझे कोख में पत्थर पड़ गए भगवान, मेरे कोई बेटा पैदा नहीं हुआ और मैं बेटा की भीख मांगने आई हूँ। गोरखनाथ जी कहने लगे, नेक रुक जा, हमें दो मिनट का वक्त दे दे। और बंधुओं, गुरु गोरखनाथ अपने नेत्र बंद करके बैठे गए और दो मिनट बाद जब उनके नेत्र खुले हैं तो सुर्ख लाल नेत्र से मानो आग ही झलक रही हो, और दांती को पीस करके बोले, लड़की एक जन्म की कौन कहे, तेरे सात जन्म तक कोई संतान नहीं। बंधु ये मालूम पड़ा है रानी अम्बादे के खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, और एकदम से सिसकी भर के बोली, हमें एक बात बताओ भगवान, वो कौन सा हमसे पाप बन गया है जो मेरे सात जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। बात एक है, तूने पूर्व जन्म में एक कोंच नाम के पक्षी के सात बच्चे मार डाले थे और उस पक्षी का श्राप है कि सात जन्म तक तेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। बंधुओं, एकदम से रानी अम्बादे कहने लगी, भगवान अगर मेरी कोख से कोई संतान नहीं पैदा होगी तो मैं लौट करके अब अपने पिया के आंगन में नहीं जाऊंगी और आपके सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। इतना कहकर के उसने निकाली अपनी कमर से कटारी को और जो छाती पर रखा, सो गुरु गोरखनाथ का एक चेला था जिसका नाम था यशुतनाथ, वो एकदम खड़ा होकर कहने लगा, ठहर गुरु जी, एक महात्मा के सामने एक औरत आत्महत्या कर ले, बोलो उस हत्या का भागी कौन है? तुम हो, तुम। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैं क्यों हूं रे? तुम इसलिए हो, बिना दया को संत का साई। ये साधु के हृदय में दया ना हो, वो साधु नहीं है, ढोंगी है, समाज को धोखा देता है, खुद अपने आप को धोखा देता है। आज तो तू इतना ऊंचा बोल गया यशुतनाथ, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कम से कम इतना खौफ करके मैं तेरा गुरु हूं। हाँ, मैं सब कुछ खौफ करता हूं, मगर एक लड़की को तुम्हारे सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, तो नहीं देख सकता, तो तू इसकी गोदी भर दे। यशुतनाथ कहने लगा, अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो हम इसको पुत्रवती बना सकते हैं। गोरखनाथ कहने लगे, वाह भाई, गुरु तो गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो रहा है। जो काम हमसे असंभव है भला तेरे से संभव कैसे हो जाएगा? जवाब दिया, गुरुजी, मैं अपने शरीर को छोड़ करके रानी अम्बादे की कोख से जन्म लूंगा और इसके ओठों पर मुस्कुराहट थरका दूंगा अगर तुम मुझे आज्ञा दो। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो वत्स, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू जा, इसके ओठों पर मुस्कुराहट ला। बंधुओं, उसी समय उस यशुतनाथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया, उसकी आत्मा ने जाकर के अम्बादे के गर्भ में निवास कर लिया। लौट आई अम्बादे, हुआ क्या? ए, नौ महीना गबी तेरे के सुन ले सारे तारी, और अम्बादे के हुई और पूत तो यो तारी, महाराज भूपन पंडित लिए बुलाई, पूरन मल धर दो नाम कुमार को दीने दान सिहाय। ओरी भाईली, ओरी मेरी आली, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। हाय रानी ने दिया लो ये गुलाल रोड़ी भाई, चलियो तो मंगल हम तुम कर आवे। अरे रानी ने दिया लो ये गुलाल रोड़ी हम जोली, चलियो तो मंगल हम तुम बड़े। मेरे नौजवान साथियों, वही यशुतनाथ पूरन मल बन करके प्रकट हुआ, और तुम जानते हो संत बीज पलटे नहीं चाहिए युग जाए अनंत, और नीच ऊंच अगर उपजे हो संत का संत। जब यह पूरमल नाम का लड़का पैदा हुआ रानी अम्बादे के बंधु, बिल्कुल साधु स्वभाव का, और 5 बरस का हुआ है, सो इसने संन्यास धारण कर लिया, कपड़े भी जो थे वो गेरुए, बड़ा खूबसूरत, पूरे घर में बाहर आ गई।
इधर क्या हुआ, राजा शंखपति जयीफ होने लगा, बूढ़ा होने लगा। इधर कुसुम नगर के राजा जिसका नाम था फूल चक्र, बाकी एक लड़की थी जिसका नाम था फूलमती, और उसने जिस तरह राजा द्रौपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा था, देश विदेश के राजाओं को बुलाया था और यह कहा था जो मीन को मारेगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा, उसी तरह राजा फूल चक्र ने अपनी बेटी फूलमती के लिए स्वयंवर रचा और एक मीन ऊपर लटका दिया जो कड़ाई की में छाया देकर मीन की उसके बाण मारे और वो फूलमती के साथ शादी करे। और सब जगह पत्र भेजी गई, एक पत्र राजा शंखपति के पास भी आ गया। और राजा की उम्र कितनी थी, 85 साल की। जो चिट्ठी पढ़ी है डोकरा खुशी के मारे चटकन लगो। अगर हमने मीन मार दी तो फूलमती नाम की सुंदर लड़की मेरी दुल्हन बनेगी, और अगर मैं नहीं भी स्वयंवर में जाऊंगा तो वहां देश देश के राजा इकट्ठे होंगे और वो कहेंगे सियालकोट के नरेश नहीं आए, तो लोगों की निगाह में हम बुजदिल और कायल ठहरेंगे, इसीलिए स्वयंवर तो देखना बहुत जरूरी है। और मेरे नौजवानों, खत को पढ़ते उसके हृदय में काम की जागृति हो गई और उसने फौरन फौजें सजाई। राजा सोचन लगो स्वयंवर देखबे को जाए रहे, लेकिन प्राण प्यारी थे तो सलाह लाइए ना, 5 हथियार बांध ले, 5 वस्त्र पहन करके राजा जो है सिंह कटा के लहरुन में भैया है तो बूढ़ो नव लला बनो चाह तो नव लला। सोचने लगो फौजी तो सज गई मगर प्राण प्यारी से सलाह लेनी चाहिए। और मेरे नौजवानों, आज राजा जो है सज धज करके रानी अंबादे के आंगन में पहुंचो और जो रानी ने देखो धोतिया लटकत आते जूता चटकत आते है। क्या करो, रानी उठ बैठी अपने पिया को देख के और क्या करने लगी, आबत देखे पिया मंगन बहिया खुशी बई भारी, गे हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी, हाथ पकड़ के भीतर ले गई भीतर और क्या करो, ये पलंगा दियो नबाई गिलम बिछबाई दई बप न्यारी, पंखा ले ढोरे ब्यारी अंगारू थारी, आज अपने पिया को जो देखो है बंधुओं तो पंखा लेके ब्यार करने लगी और रानी अंबादे मोघाई देखे बोली पिया एक बात बता, कहा नौजवान से मेहरबान हो तो बूढ़े, लेकिन जल लग रहे मन नहीं हो, रानी बोली नौजवान से मेहरबान मो बिल्कुल दिखलाते हो, और बने ठने चौदह भी रात के चांद नजर आते हो, बने ठने चौदह भी रात के चांद नजर आते हो, ओ सैया ओ सैया बतलाओ किधर तसरी फलिए जाते हो, और बने थने चौदह भी रात के चांद नजर आते हो, बने थने चौदह भी रात के चांद नजर आते हो, रानी बोली अपने घूंघट को एक दांत से ऐसे दबाए लो, महाराज हो तो बूढ़े लेकिन नौजवान से लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब राजा बोला खांसी आई खांसी, बूढ़े तो भैया सिंह आते, तुम नहीं जानती हो कुसुम नगर से प्राण प्रिय ये खत आया आज और रचा स्वयंवर सुता का फूल चक्र महाराज। फूल चक्र और उनकी लड़की फूलमती का स्वयंवर रचा है, हम स्वयंवर देखने जा रहे हैं। इतनी बात कह पाई तो 22 बार तो बैठा सा आई हो। रानी कहने लगी ब्याह करने जाता हो, हाँ बंधु हो, जब मालूम पड़ी
मनो पान के नीचे धरती खिसक गई हो। एकदम से कहने लगी, महाराज एक बात कहूं अगर तुम्हें बुरा न लगे। बोलो बोलो। क्या बोली रानी? प्राण प्रिया की प्राण पति सला मानिए नीकु, महाराज बुढ़ापे में तुम्हें करना बिहान ठीक। माफ कीजिए, बुढ़ापे में शादी करना अच्छा नहीं, करना बिहान ठीक। पिया क्यों मत बोराई रही है, करना बिहान ठीक। पिया क्यों मत बोराई रही है, और श्रवण सफेदी देखो पति बालन पे आई रही है। कान के ढंगा बार भूरे हो जाए तो समझ ले को बुढ़ापे को नोटिस आई हो। कान के पास समझो बाल सफेद है जाए। श्रवण सफेदी, श्रवण सफेदी, श्रवण सफेदी देखो पिया इन बालन पे आई रही है, और शीशा देख ले मेरे बालम दुल्हन समझाई रही है। शीशा देख ले मेरे सैया रानी समझाई रही है। महाराज शीशा में मौत तो देखो बंदर कैसे होएगा, हूं जाए कि फदिये तो और ये लोग तुम्हें देख के हंसे, तासो तुम घरे ही बैठो। और बंदी को एक बात को ध्यान और दे लियो, ब्याह करो तो कौलू करो, ब्याह अगर करबे को मन होए तो हम बताएं तो कर लियो कौलू। ब्याह करन को होए इच्छा तो पंदा बीस और तीस लू कीजे, चालीस पे तन खीस भय और पचास पे जाए के नाव मत लीजे। चालीस पे तन खीस भय पचास पे जाए के नाव मत लीजे, और साठ पे इच्छा हो अगर तो उतार के जूता है खोपड़ी में दीजे। शादी करो तो पंदा बीस तीस साल, चालीस पे मामला गड़बड़ो, पचास पे समझ लो खाली डिब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। अरे श्वासों का खजाना खाली हो चुका है, भजन करने का समय है और तुम शादी करने का समय ला रहे हो। तो कहन लगी रानी, पिया तुम बनाए बूढ़े है गए हो, ता समय तुम्हारी पहिया पड़ रही हूँ, तुम कहूँ मत। और इतने वचन सुने से डुकरा खटिया पे ठाड़ हो गया। क्यों री, हमें बुढ़ापा बता रही है, अभी तुम जवानों का कान काट लेंगे। ऐसे ऐठ उस रानी सक पका के दो कदम पे छेला हटी गई। मैं सच कह रही हूँ, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी, लख गैरों को तुम्हें सिंह पे खिलावेगी। महाराज क्यों बुढ़ापे में अपने मुंह पे कालोच लगाना चाहते हो? नौजवानों खुले शब्दों में शंखपति कहने लगा, वैसे नाइयों जाते लेकिन अब हम जरूर जाएंगे। चंदे डो कर उठे के उठे हुए तब परियन पे हाथ धारी के उठे पाए। रानी कान लगी, नाय मानता हो तो चले जा, वैसे भलो नाय होएगा। चंद ये है मेरे नौजवान साथियों, जहां देश विदेश के राजकुमार मौजूद थे। आज सियालकोट के नरेश जाकर के कुसुम नगर में पहुंचे, सभी बैठ गए, महाराज भी बैठ गए। राजा शंखपति जिस समय बैठा है सभा के अंदर, तो हर राजकुमार की निगाह उन पर थिरकी और सबके ओठन पर मुस्कुराहट आ गई, और कानन में कान लगे, कानन में भैया जो साठ को एक सटे आई हो, कछु कान लगो न्योता दौता सो आई हो, कछु कान लगे बिटिया को देके लो भे आई हो। नाना प्रकार की बातें राजकुमार करने लगे। देखो बूढ़े का उपहास तो स्वाभाविक उड़ाना है,
लेकिन राजा के ऊपर कोई असर नहीं। वो तो गए थे इस उद्देश्य से। अब तोलो मंत्री निकलो राजा को, ए देश विदेश के राजकुमारों, ये तो आपको अवगत हो ही चुका है कि हम लोगों ने आपको यहां पर क्यों बुलाया है, और ये भी जानते हो कि हमारे महाराज की लड़की फूलमती विश्व सुंदरी है, और उसको लेने के लिए हम लोगों ने एक स्वयंवर रचा है। जो राजकुमार कड़ाई में छाया को देख करके मीन का लक्ष्य बनाएगा, वो ही उस लड़की के साथ में विवाह करेगा। अरे माँ के दूध पीने वाले जवानों, अगर तुम्हारी धमनियों में गरम गरम खून है तो एक एक करके उठो और उस मछली पर अपने पौरुष का परिचय दो। राजकुमार तो वैसी बैठी तमतमाने हुए से उठ बैठी। एक राजा बोला, ठहर जाओ, तुम सभी नए बच्चे हो, बैठ जाओ। अरे मर्यादा का उल्लंघन करना सबसे बड़ी भूल है। हम लोगों में जो सबसे ज़ईफ हो, सबसे बुड्ढा हो, हम निवेदन करेंगे वो पहले जाकर मछली पर अपना पौरुष दिखाएं, क्योंकि किसी नए लड़का ने अगर मछली को मार दिया तो वो मनी मन में कहेगा, हम तो मरुए नहीं आए पाओ, हम क्या करें, बूढ़ी जरूर। अब सबन निगाह झुकाई और निगाह जो आगे को बढ़ाई तो और कोई बूढ़ो नजर ना आओ, यही बैठे रहे बैसा को उधार इतने को सौर बैठ भी को ना। एक राजपाल कहने लगा, महाराज सियालकोट के नरेश, उठकर के मीन पर अपने पौरुष का परिचय दीजिए। हाय बंदू जी तो उठे बैठो, झट जाओ ना कहीं जाने के, देखो हम तो भाई निमंत्रण में आए हैं, तुम सब नौजवान हो, तुम लोग जाकर के अपना परिचय देखो, हम तो सोमवार देखने आए। जो शब्द नहीं बोला, हाथ में धन सुमान लेके उठ बैठा और क्या करो, चलोगो चलोगो ऐसो निशाना लगाओ, एक दो एक तीन, भैया तक के मछली में तीर लगो टप नीचे आ गई। हाय धूरी में लट्ठू लग गया हो, हाथ में माला लिए हुए फूलमती खड़ी थी और तौल फूलमती की सकी ने कोनी मारी, ले मिलियो गंगा पार गोधन देख ले। फूलमती कहने लगी, बहना किस्मत पे कोई जोर नहीं, किस्मत में यह बुढ़ा ही लिखा था, लेकिन मेरा स्वामी है। और आगे बढ़कर के मेरे नौजवान साथियों, आज फूलमती ने राजा शंखपति के गले में जयमाला, सब राजकुमार तापत ही रहेगा। उठ उठ के चंदा ही चलो भैया, होइयो स्वयंवर, जब बुढ़ा की किस्मत ये ससुर की जन कैसी है तो जाने सबके मुंह पे थप्पड़ मार दो, कचु कचु कान लगे तो छीन न ले, जवाब दो स्वयंवर में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, बूढ़े पर हमला करना हम लोगों की बहादुरी नहीं है। विद्वान इस तरह से साधु समझा गए और मूर्ख लोग थे अपनी बातें करने लगे। भैया सात भामरे पड़ी, भामरे पड़ने के बाद संघपति आज नई वधु को लेकर के महलों के लिए चला। बिहा करी नगर में आए, खुशी सबने मनाई है, बिहा करूं आ आ आ नगर में आए, खुशी सबने मनाई है, अंबादे नारी थी पहले, अंबादे नारी थी पहले, फूलमती दूधी आई है, परु आ गया डोला, खबर जब रानी ने सुन पाई, खबर जब रानी ने सुन पाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी खदाई है, बहन को
जल पी ले आना। साज सिंगार सोनार चली ओ खड़ी जयमाल लिए कर में कर में कर संग सहेली गहे मन पूरण चंद चलो नभ में नभ में घन घोर घटासी छटा लख राजा मोई आए मन में मन में आधार विचार कहे बके चंचल ने न चुभे तन में मन में आधार विचार कहे बके चंचल ने न चुभे तन में जो द्वार पे डोला आया और रानी अंबादे ने सुनी है कि मेरे पिया तो नायमा ने शादी कर रहा है, कान लगी कोई बात ना है, हम दोनों गंगा जमुनी की तरह से अपने पिया की सेवा करूंगी और बांदी से कही बहना जल्दी चली जा और मेरी बहना को आदर के साथ ले वायला। और बांदी द्वार में पहुंची, कान लगी महारानी साहिबा अरे डोला से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन तुम्हारा आंगन में इंतजार कर रही है। बड़ी बहन को ना सुनो, जब मालूम पड़ो मन न कटी को सांप सूंघी जाओ। अरे तुम तो चौंक गई हो, राजा की पहली विवाहता रानी अंबादे? इसका मतलब है कि घर में सौत है। हाँ बुला लो मेरे पिया को। एकदम से बंदियों संघपति को सामने बुलाया और कहने लगी महाराज भेज दो पीहर डोला और मेरे जाने से सैलकोट पे पड़े गजब का डोला को वापस कर दो। हाँ मैं नहीं जानती थी घर में सौत और है। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी मोए भाड़ झोंक बेकुलाए हो। भोग करन को काफी थी मोह भाल झोंक बेकुलाए हो। अरे सुन के अरे रानी के अरे बानी अरे बानी 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 और जगे हुई बरियो पाली और आधार जल हुई गई से पानी और भैया और दुलहिन की मन की बाने जानी जात न लारे
और बिना विचारे जैसो कर दो तैसो फल पाओ तो आधार। रानी धीरे धीरे कहे बलम तो सांप तो डसले में, रानी धीरे धीरे कहे पिया तो बिजली पर जावे, बिजली पर जावे लाठ तो बिजली पर जावे। रानी धीरे धीरे कहे के सैया कदाप नहीं रह सकती सौत के साथ में, अगर सौत घर में रहेगी पिया तो मेरे डोला को वापस कर दो, मैं अपने पियार में जिंदगी काट लूंगी और हमें सौत चून की बुरी लगती है। मेरे नौजवानों, जिस समय रानी ने यह वचन सुनाए तो राजा पे जवाब नहीं आया और मंत्री की तरफ देख करके राजा कहने लगा, मंत्री जी हाँ कोई दूसरे महल हैं जिन महलों में इसको हमें कर दें और ये बनी रहे। मंत्री कहने लगे, महाराज पारसाल जो महल बनवा उनको तो उद्घाटन होना ही भावे, उसी महल में महारानी को पहुंचा दीजिए। आज बंधुओं, राजा कहने लगा तो ठीक है तुम दूसरे महलों में रहो, अंदाजा लगाना लोगों बुढ़ापे में शादी करने का अंजाम कितना विलक्षण होता है। राजा ने दूसरे महलों में फूलमती को रुका दिया मन में सोचू पाई दूसरे जाए महल बैठारी, इत वृद्ध अवस्था भू परे सोच रही भैया नारी। राजा बूढ़ा है और वो काम में अंधी औरत क्या सोच रही है। मेरी फूटी आई तक धीर धरे ना धीर भाई मेरी ख्वारी, भाई मेरी ख्वारी, भाई मेरी ख्वारी। और फूलंगे जाए मारी बिरहा की मारी, और फूल मती जाए मारी बिरहा की मारी। जिस समय दूसरे महलों में जाकर के रानी फूलमती को रोका गया बंधुओं, तो आज रानी मन ही मन में सोचने लगी, क्या मन ही मन रही बिचारी है जा पति से बहुत खुआरी है मन। खबरी हमारी है करे आज मन ही मन में विचारने लगी है कि जब बूढ़े पिया के साथ में मेरा जीवन कैसे पार होगा। और बंधुओं, चाणक्य ने अपनी नीत में लिखा है, स्त्रीणा दो गुणों आहारा लज्जा चाप चतुर्गुणा और साहसम छठगुणा कामाष्टगुणा स्मृति। स्त्री में मर्द से हर साहस, लज्जा, मैथुन की शक्ति, भोजन की शक्ति बहुत आगे बताइए। देखिए क्या सोच रही है वो औरत, ए फूलन दे रही डूब रे के इसको की दीवानी। राजा में ताकत ना रे के ढल गई भैया जवानी। महाराज नारी को मदन सताता है, वो काम रहो लहराए कलेजा गोता खाता है। ठगनी मन ही मन में कहे बलम मोए बूढ़ो मिलियो है, नगदी मन ही मन में कहे पिया मोए बूढ़ो मिलियो है, बेहा मन ही मन में कहे बलम मोए बूढ़ा मिलियो है। मेरे नौजवानों, आज वो औरत सोच रही है कि इस पिया के साथ में मेरा गुजारा नहीं होगा और झरोखों से झुक झुक के झोंका खा रही है। और इधर पूरन मल की उम्र है बंधुओं 18 वर्ष की हो चुकी थी। यह महात्मा
दिन भर तो अपनी मैया की सेवा में रहता है, लेकिन रात के वक्त बगिया है गांव के बाहर, उस बगिया में मेहता माली का लड़का इसका दोस्त है, उसके साथ बगिया में चला जाता है। इधर शाम का वक्त है, फूलमती अटा पे खड़ी झुकझुक के झोंके खा रही है, नागिन सी लहरा लहरा करके बंधुओं मानो किसी का इंतजार कर रही हो, और इधर उसकी सौत का लड़का जो है पूरनमल घोड़े पर सवार होकर मेहता माली के लड़के के साथ में बगिया के लिए जा रहा है, और जो जाके निगाह पड़ी बंधुओं, निगाह पड़ते पड़ते वो काम में अंधी औरत आज अपनी सौत के बेटा को देख करके पागल होने लगी, और आह 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 की आवाज दे करके जब इस तरह करने लगी तो बांदी आ गई। क्या कर रही हो बांदी, जरा इधर आ देखिए बंधुओं, और बांदी से कहा बोली, अरे पिछबाड़े लखिले प्यारी, ओ बांदी, अरे पिछबाड़े लखली जे प्यारी, और नर घोड़ा की जात असबारी, अरे मन जबते सकल रे निहारी निहारी गजब भो निहारी, मेरे बिरहा की लगी कटारी। बांदी बांदी बांदी, ए बांदी ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, और चोरी छाती जो नकी है जाको कैसो बदन छरीरा है, इतनो तो निक समझाए दीजे जू कौन बंद को हीरा है, कौन है ये, घोड़ा को नचा के जा रहा है राठौल बड़ो चटकीला है, मटकीला है झटकीला है गौरव गुमान गरबीला है, खतरा की झंडी समूह है, खतरा की घंटी समूह है, करनी को करम कचु ढीला है, सुन भैयो सच समार लियो आधार चेतन की लीला है, कौन है बहन ये, इसको देख करके मैं अपने को भूल बैठी हूं सकी, और ऐसा खूबसूरत नौजवान मैंने नहीं देखा, और बंदुओं टकटकी बंद के उसे देखने लगी। बांदी कहने लगी, बात सुन मेरी, क्या क्या सुनूं बांदी, देख पीछे काली जुल्फ विशाल जिगर में साल भाव मेरी बहना, जग बिजली से चमकत दांत मोको चैनऊ अरे परेना, बहना मुस्कराता हुआ जा रहा है जिसकी बत्ती सी कितनी सुंदर है, और का बोली वो डाइन, सकल बिगड़िया अकल गधीर धरना गधीर धरना, घायल तो कले जो कर दो बेना केनो अरे परेना, घायल तो कले जो कर दो बुनिया केनो अरे परेना, औरी बहना ये बेदर्द निगोड़ा कौन है जो हमसे मुंह मोड़ के चलोगे, और बंधुओं इतने वचन जो सुने सोई बांदी ने आगे बढ़कर के बाको दोपट्टा पकड़ो और कही के तेरी खोपड़ी में कीड़ा है, ओ बेशरम औरत जहां तू निगाह डाल रही है ये निगाह तुझे नरक की तरफ ले जाएगी, और बंधुओं बांदी क्या बोली, सुन मेरी बात, इस लड़के को तू नहीं जानती है, लड़का है ये तो महात्मा लग रहा है,
कहने लगी, हाँ ये महात्मा है लेकिन मैं बताऊं ये कौन है। बांदी कहने लगी, सुन रानी के बेन सुरक भयने न बचन उच्चारो, दुखा ससोत को लौआ है के तेरो प्राणन प्यारो। तेरो दिमाग खराब है ओ बेहा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तेरी सोत को लाला है। अब रानी क्या बोली, ओ रानी लागी कहना सुनो मेरी बहन, बचन उचारो बचन उचारो, बिन करे ते भोग पिला सरीना हो ये बहन बुजारो। इस खूबसूरत नौजवान को तू मेरी सौत को लाला बता रही है, मो सौत के लाला आला से कोई मतलब नहीं, मैं तेरे पैया पड़ रही हूं। जब महात्मा को तू किसी तरह मेरे आंगन में ले वाला और मेरे दिल के अरमा जब ही ठंडे होंगे, जब मैं इसको जी भर के देख लूंगी। बंदी वो बांदी कहने लगी, ओ बेहा शीतम न करो शीत मगर, बस 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 खामोश, और बनकर चतुरा खाम खा तू बनती है बेहोश, बनती हो बेहोश शीत मगर क्या कलाम करती हो, और तोबा तोबा करो हाय तुम गुलंदाम करती हो, अदब काया हला शर्म सबको सलाम करती हो, और बेटा पर आशिक होकर बदनाम नाम करती हो। तेरा दिमाग खराब है जो तेरो लाला है। और एक बात और बताऊं, ये गुरु गोरखनाथ का चेला है, दिन भर तो मैया के पास रहता है लेकिन रात में बगिया में रहता है। और बहना ये मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कितनी कोशिश करो जो रात के वक्त कभी किसी के घर में नहीं जाता। बांदी कहने लगी, बा तो रानी क्या जवाब दे रही है बंधुओं, देखिए उस नीच की भावना कितनी घिनौनी है। बांदी हमको आज तू किस चक्कर में पटक रही है, बांदी हमको आज तू किस चक्कर में पटक रही है, और दिलो जान की सकल मेरे सीने में खटक रही है, दिलो जान की सकल मेरे सीने में खटक रही है। बांदी 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 हमको आज तू किस चक्कर में पटक रही है, जान की सकल मेरे सीने में खटक रही है, दिलो जान की सकल मेरे सीने में खटक रही है। ओ बांदी इस खूबसूरत नौजवान की शक्ल मेरे हृदय में खटक रही है, मैं तेरे पैया पड़ रही हूं तू चली जा। बांदी कहने लगी, बहना तुम हमारे शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर डालो लेकिन मैं जब महात्मा को लिवाए भी नहीं जाऊंगी। ऐसा सुंदर महात्मा तो धरती पे हुआ नहीं बहना, 5 साल को हाथों तवई से जो भगवान के चरणों में ध्यान लगा चुको है, और ऐसे साधु पे तेरो दिमाग खराब है गयो तो तू घोर नरक में जाएगी। का बोली बांदी, मैं नहीं जाऊंगी चाहे तुम मेरे शरीर के टुकड़े कर डालो। तो बका बोली, लिबाला बांदी हम दम को कि मैं जानू के तू जाने, कि मैं जानू के तू जाने, खबर ना होई बालम को, खबर ना होई बालम को, कि मैं जानू के तू जाने, खबर ना इधर क्या हुआ लोगो। दीवानी धीरे धीरे बांदी को रही है रे धमकार, अरे बा धीरे धीरे बांदी को रही है रे धमकार। कहने लगी, लेवाला बांदी हमदम को कि मैं जानू कि तू जाने,
खबर ना होए बालम को कि मैं जानू कि तू जाने। ओरी बहना तू ले बायला, बाद में मेरो काम है, मेरे पिया को खबर ना होए। बांदी कान लगी बहना, चाहे तुम मेरे टुकड़े कर डालो, मैं जब महात्मा को लेवाए भी ना जाऊंगी, क्योंकि वो आएगा ना है। तेरा जीवन बर्बाद है जाएगा, बेटा पे दिमाग खराब करेगो, नरक में तो ठोर ना मिलेगा, तू मेरी बात मान जा। बांदी हमको आज तू किस चक्कर में डाल रही है, और दो घंटे से नई नई कानून निकाल रही है। तू नहीं मानेगी, बांदी कान लगी तुम हमें काट डालो, लेकिन गोरखनाथ का चेला है बहना, रात के समय में गांव में ना आते हुए मैं ना जाऊंगी। ले भाई बंधु इतने वचन जो सुने सो ये एकदम से फूलमती ने चमड़े का कूड़ा उतार दिया। तू जाएगी तेरी बला और जाएगी। कूड़ा कूड़ा उतारी और बांदी पे गिरी भेराई रे, और मार मार के अज बांदी धरती पे दई गिराई रे। बोल बेहा पांच तो मारे चुटिया लू जकी खाल झूल रह जाई रे। खून के फुआरे छूटत देवा तो गैया सीट कराई रे। जिस समय रानी बिफर पड़ी है और मार मार के बांदी को धरती पर गिरा दिया और कहने लगी तू जाएगी तेरी भला और जाएगी, इस खूबसूरत नौजवान को जल्दी मेरे आंगन में ले बाला मेरे भाई। और जिस समय मार पड़ी है बांदी पर तो डर करके बांदी कहने लगी बहना रुक जाओ मैं जा रही हूं। हाँ आ गई होश में।